आज के वीडियो में बात करने वाले हैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी 2022 एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि एमसी कोर्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जो है सीयूईटी के थ्रू होगा या फिर निमसे के थ्रू होगा, कंप्लीट बात करेंगे और आपको लाइव प्रूफ के साथ बताऊंगा कब किसके थ्रू यहाँ पर जो है एससीयू का जो है आपको एडमिशन फॉर्म फिल करना है और एससीयू में एडमिशन जो है निमसेट के थ्रू होगा या फिर सीयूईटी के थ्रू होगा। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें, इससे पहले हैदराबाद यूनिवर्सिटी के ग्रुप के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बिल ऑन करें जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिला करें। अगर आप यहाँ पर जो है हैदराबाद की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, डायरेक्ट आप उस पे क्लिक करके इस पे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर पीजी प्रोग्राम ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद कॉमन यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल सीयूईटी के थ्रू होगा। ओके, तो यहाँ पर पीजी में जितना भी कोर्स है एससीयू के अंदर, तो इन सभी का जो एग्जाम जो है यहाँ पर जो है यानी कि आपका यहाँ पर एडमिशन जो भी क्राइटेरिया है वो सीयूईटी के थ्रू होगा। तो आपको सिंपली सीयूईटी का फॉर्म फिल करना है और आप इसमें जो है एससीयू में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें केवल एमसीए के लिए, तो एमसीए के लिए अभी तक कोई भी डिक्लेयर नहीं किया गया। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है सीयूईटी के ऑफिसियल वेबसाइट पर चलता हूं और जब मैं यहां पर जो एमसीए के लिए फॉर्म फिल कर रहा हूं, अगर आपको यहां पर जो है सब्जेक्ट लैंग्वेज आपको यहां पर जो है यहां देख सकते हैं कि ये जो है आप देख सकते हैं PGQ P26। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो एम सी ए का जो है टेस्ट पेपर कोड है, तो आपको इसी के साथ जो है फॉर्म फिल करना है। अगर आप एम सी ए के लिए सी यू ई टी के थ्रू आप यहाँ पर जो एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कोड PGQ P26, जैसे कि JNU BHU सभी इससे लिंक है, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है 42 यूनिवर्सिटी है, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। चलिए उसके बाद यहाँ क्वेश्चन पेपर आप यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर जो है अगर सेलेक्ट ऑल यहाँ देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी है, तो इसमें अगर मैं हैदराबाद यूनिवर्सिटी सर्च करूँ, आपको भी यहाँ पर चेक कर लेना है। इसी तरह से आपके सामने ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर जो है सभी का ऑप्शन आ रहा है लेकिन हैदराबाद यूनिवर्सिटी का ऑप्शन जो है यहाँ पर नहीं आ रहा था। इसका मतलब है कि सीयूईटी के थ्रू जो है हैदराबाद का एडमिशन नहीं होगा। अगर यहाँ पर जो है नीम सेट की ब्रोशर की बात करें, इंफॉर्मेशन ब्रोशर की बात करें, तो वहाँ पर डिक्लेयर किया गया है कि नीम सेट के थ्रू ही एससीयू में एडमिशन होगा। में जो भी आपका रैंक होगा उसके आधार पे ही आपको यहाँ पर एससीयू में जो एडमिशन होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर यूनिवर्सिटी को मैं यहाँ पर चेक करूँ, तो इसमें जो एससीयू जो है वो एमसीए के लिए जो है एलिजिबल नहीं है, क्योंकि एमसीए जो है इस बार भी नीमसे के थ्रू ही होगा। और जैसे ही आपको यहाँ पर एससीयू का फॉर्म फिल करने का डेट आता है, तो मैं वो कंप्लीट बताऊंगा और कैसे फॉर्म को फिल करना है तो इसके बारे में भी कंप्लीट बता दूंगा। तो आपको यहाँ पर जो है चैनल को तब तक के लिए सब्सक्राइब आपको करके रख लेना है। चलिए तो फिलहाल कुल मिलाकर बात है कि इसका जो है आपको एससीयू में एडमिशन लेना है तो नीमसेट के थ्रू होगा रैंक के बेसिस पर। और यहाँ पर जो है एससीयू जो है अपना फॉर्म रिलीज करेगा, उसका डेटा आएगा और आप इस फॉर्म को कंप्लीट फिल करेंगे, आपको पेमेंट करना है और आपको यहाँ पर जो है आपको जो है नीमसेट का एग्जाम देना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर जो है सभी डिटेल्स आपको प्राप्त हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर एससीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर नोटिफिकेशन चेक करना चाहते हैं और भी डिटेल्स चेक करना चाहते हैं, तो आपको एससीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर आके आपको सभी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर जो है सीयूईटी की बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सिंपली सर्च कर लेना, इसका भी लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, CUET.NTA.NSC.IN आप सर्च करेंगे तो सिंपली आप इस पेज पर आ जाएंगे और यहाँ से जो है एमसीए के बारे में कंप्लीट आपको यहाँ पर जानकारी प्राप्त होगा। अगर मैं कोड की बात करें, तो कोड आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो है टेस्ट पेपर कोड जो है यहाँ पर PGQ P26 है, जिससे आपको यहाँ पर जो है फॉर्म को यहाँ पर जो भी डिटेल्स है आपको खोजने में जो है सुविधा होगा। तो इस कोड के साथ आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन बताना था, आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा। अच्छा लगा वीडियो की लाइक और इस तक वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बिल ऑन करते आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिला करें। थैंक यू फ्रेंड्स।